हेलो एवरीवन वन होप यू ऑल आर गुड सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ब्लूम्स टेक्सोनोमी और ये क्वेश्चन सीटेट हो पी एस सेट हो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाहे वो साइंस हो चाहे वो मैथ्स हो ठीक है जी चाहे वो इंग्लिश हो इस ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ठीक है जी तो उसके लिए आपको पहले ब्लूम टेक्सोनॉमी क्लियर होना जरूरी है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी होता क्या है ठीक है जी तो ब्लूम टेक्सोनॉमी आप में क्या था एक मतलब उन्होंने क्या किया था ये एक टेबल दिया था ठीक है जी ये आप ट्रायंगल देख सकते हैं किसने दी थी ये टेक्सोनॉमी ये दी थी ब्लूम ने ठीक है जी और उसको रिवाइज किसने किया था जो छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए पहले मैं बता देती हूँ बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी ठीक है जी ये जो टेक्सोनॉमी थी ये दी थी ब्लूम ने ठीक है जी तो क्या था ब्लूम ने जो अपना वर्जन दिया था ना तो उनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था एंडरसन उन्होंने क्या है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया चेंज कर दिया ठीक है तो हमेशा याद रखना पहले टेक्सोनॉमी किसने दी थी ब्लूम्स ने फिर आए ब्लूम के एक स्टूडेंट उन्होंने ये टेक्सोनॉमी रिवाइज कर दी जिनका नाम था एंडरसन ठीक है किन कितने लेवल्स की उन्होंने बात की है उन्होंने छः लेवल्स की बात की है ठीक है तो अब हम जो हमने मेन जो चीज़ देखनी है वो है कि पहले तो ये जो टेक्सोनॉमी है किसने दी है ये बेंज़मिन ब्लूम ने दी है उनका पूरा नाम क्या है बेंजामिन ब्लूम ठीक है इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दी है तो उस टाइम कंफ्यूज मत होना कि कौन से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है ठीक है क्योंकि ये ब्लूम टेक्सोनॉमी की ही बात कर रहे हैं या थ्योरी ऑफ मास्टरी लर्निंग भी इसको बोला जाता है तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं ठीक है बैंजमिन ब्लूम ने टेक्सोनॉमी दी थी उसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ़ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं और थ्योरी ऑफ मास्टरी लर्निंग भी बोलते हैं इसको मास्टरी लर्निंग इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम ये टेक्सोनॉमी यूज़ करके इसके अकॉर्डिंग स्टेप वाइज चलें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम उस चीज़ पर मास्टरी कर सकते हैं लर्न कर सकते हैं उस चीज़ को ठीक है जी क्योंकि इस जो टेक्सोनॉमी है इसमें बताया गया कैसे हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है और कैसे लो ऑर्डर थिंकिंग से हाई ऑर्डर तक पहुंचना है सारे स्टेप सीक्वेंस वाइज बताए गए हैं ठीक है जी और कितने लेवल्स हैं इसके छः लेवल्स हैं तो तीन डोमेन्स की इन्होंने बात की है जो ब्लूम है ब्लूम ने तीन डोमेन्स की बात की है उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तीन डोमेन्स कौन से है एक है कोगनेटिव एक है इफेक्टिव एक है साइकोमोटव कोगनेटिव होता है जो हमारे माइंड से रिलेटेड हो हमारी थिंकिंग से रिलेटेड हो हमारे रिमेंबरेंस से रिलेटेड हो ठीक है देन कम अफेक्टिव अफेक्टिव होता है हमारे इमोशन से रिलेटेड अफेक्शन से रिलेटेड साइकोमोटर होता है हमारी जो स्किल्स होती हैं देखिए फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं जिसमें हमारे मसल्स बोन्स वर्कआउट करें वो उसको साइको मोटर बोलते हैं आई होप दिस मच इज क्लियर अब आते हैं मेन पार्ट पे हमारे दैट इज टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी क्या होती है टैक्सोनॉमी दो वर्ड से ली गई है और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये कौन से वर्ड से ली गई है ग्रीक वर्ड से क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें हमारे यहाँ लेटिन वर्ड से आई हैं बट जो टैक्सोनॉमी है वो ग्रीक वर्ड से ली गई है ठीक है कौन से दो वर्ड्स हैं टैक्सेस एंड नोमोस टैक्सेस का मतलब होता है अरेंजमेंट करना नोमोस मतलब साइंस ठीक है जी आई होप दिस इज़ क्लियर और तीन डोमेन्स एज आई टोल्ड यू कोगोनेटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर कोगोनेटिव होता है हमारी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड हमारी थिंकिंग से रिलेटेड एंड लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग बंदे के दिमाग से रिलेटेड है कोगनेटिव मतलब माइंड से रिलेटेड अफेक्टिव होता है हमारे इमोशन से रिलेटेड अफेक्टिव का मतलब ये है अफेक्शन मतलब emotions, हमारे इमोशंस हमारे हार्ट से रिलेटेड एंड साइकोमोटर है हमारी फिजिकल स्किल्स से रिलेटेड राइट आई होप दिस इज़ क्लियर अब आते हैं फर्दर हम पढ़ेंगे तो देखिए जी सेकेंड क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है और पेपर में पूछा जाता है ठीक है क्योंकि ऐसा था ब्लूम टेक्सोनॉमी तो देखो मैंने वैसे भी पढ़ानी थी आपने भी पढ़ रखी है बट द थिंग इज उसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आपको पता होने चाहिए ठीक है जी तो उन्होंने बोला कि जो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी है किसने दी थी ब्लूम ने दी थी कितने सन में दी थी 1956 में ओरिजिनल टेक्सोनॉमी किसने दी थी ब्लूम ने दी थी ठीक है जी फिर रिवाइज किसने की थी एंडरसन ने उनका ही स्टूडेंट था ब्लूम का एंडरसन कितने ईयर में दी थी 2001 में ठीक है आई होप इतना आपको वैसे भी याद हो ही गया होगा कि ओरिजिनल टेक्सोनॉमी ब्लूम ने दी थी और रिवाइज़ उनके स्टूडेंट एंडरसन ने दी थी ब्लूम्स ब्लूम्स में किस ईयर में दी थी ब्लूम्स ने 1956 में और उनका जो स्टूडेंट है एंडरसन उसने रिवाइज कितने में की थी 2001 में ठीक है तो इसमें क्या था अब देखते हैं ये है ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी और ये है एंडरसन की ठीक है तो ब्लूम ने क्या किया जहाँ पे आप एंडरसन का रिमेंबरिंग पढ़ते हो अंडरस्टैंडिंग पढ़ते हो वहाँ पे ब्लूम ने पहले क्या दे रखा था नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन मीनिंग इनका सेम ही होता है बस एंडरसन ने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया ठीक है कहने का मतलब पहले ब्लूम वाली देखिए एंडरसन इजीली समझ आ जाएगी ब्लूम ने बोला कि जब भी हम कोई चीज़ लर्न करना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं पहले हम उस चीज़ की नॉलेज लेंगे ठीक है उसको पढ़ेंगे अच्छे से फिर हम कॉम्प्रीहेंड करेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे ठीक है जी कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही होता है अंडरस्टैंड बस एंडरसन ने क्या किया उनको वर्ड्स को थोड़ा चेंज कर दिया एक्चुअल में है एंडरसन का, का काम भी वही था जो उन्होंने रिवाइज किया ठीक है ब्लूम्स का देन नॉलेज हमने पहले उस चीज़ की ले ली हमने देख लिया बुक को खोल लिया अब हमने कॉम्प्रीहेंड किया उसको समझने की कोशिश की ठीक है अब हम समझ गए क्या चीज़ समझी हमने कि दो प्लस दो कितने होते हैं चार होते हैं हम ठीक है जी एज आई सेड कि दो प्लस दो कितने होते हैं चार होते हैं ये ये चीज़ मैंने अंडरस्टैंड कर ली अभी कॉम्प्रीहेंड कर ली ठीक है तो फिर मैंने क्या किया एक दिन मैं रूम में गई वहाँ पे चार चेयर्स थी तो मैंने कैसे कैलकुलेट किया कि ये दो चेयर्स हैं और ये दो चेयर्स हैं कितनी हो गई चार चेयर्स हो गई तो अब मैंने उस चीज़ को अप्लाई किया अपनी डेली लाइफ में ठीक है जी अप्लाई कर लिया कि हाँ दो प्लस दो कितने होते हैं चार ही तो होते हैं अब मैंने एनालाइज किया एनालाइज का मतलब क्या होता है किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ना कि जैसे मैंने दो प्लस दो चार सीख लिया अब वो सिर्फ मैथ्स में ही थोड़ा ना काम आएगा मेरे बाकी चीज़ों में भी बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम आएगी वो कैलकुलेशन ये होता है एनालाइज करना टुकड़ों में तोड़ना किसी चीज़ को ठीक है फिर आता है सिंथेसिस सिंथेसिस करना मतलब सबको इकट्ठा कर देना अब आपको पता लग गया कि ऐसे ऐसे होता है आपने नॉलेज इकट्ठी कर ली आपको सब कुछ पता लग गया कि ये ये सब्जेक्ट में ऐसे काम आती है ये नॉलेज ठीक है जी अब आप फाइनली इवेलुएट करोगे कि वो चीज़ अच्छी है सही है या कहीं कमी रहती है वो होता है इवैल्यूएट करना जजमेंट देनी कि क्या जो मैंने नॉलेज ली थी वो सही थी ठीक है तो ये थी सारी ब्लूम्स ने दी तो वैसे ही क्या एंडरसन ने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया उन्होंने नॉलेज की जगह क्या लिख दिया रिमेंबरिंग कि पहले हम चीज़ को रिमेंबर करेंगे फिर हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे मतलब समझेंगे फिर उसको अप्लाई करेंगे वैसा ही है फिर हम एनालाइज करेंगे बट उन्होंने क्या कर दिया कि सिंथेसिस नहीं किया इवेल्यूएशन की बात की है ठीक है एनालाइज करोगे तो सिंथेसाइज तो करना ही पड़ेगा तो एंडरसन ने उसको शॉर्ट कर दिया उन्होंने क्या कर दिया इवेल्युएट कर दिया अब इवेल्युएशन हो गई जजमेंट पास हो गई अब आपने कोई न्यू चीज़ क्रिएट की ठीक है जी तो ये चीज़ किसने दी थी एंडरसन ने इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोएस्ट स्टेज कौन सी होती है जी टेक्सोनॉमी की तो याद रखना रिमेंबरिंग और हाइएस्ट कौन सी होती है क्रिएटिंग हाइएस्ट है ठीक है ऐसे ही वो स्केल पूछ लेते हैं तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई मैं फिर से बता देती हूँ एक बार कई बार वो ऐसे पूछ लेते हैं आपको कि लोएस्ट कौन सी है तो याद रखना लोएस्ट रिमेंबरिंग है और हाइएस्ट कौन सी है क्रिएटिंग है कई बार वो सीक्वेंस में लगाने को दे देते हैं कि पहले रिमेंबरिंग आता है फिर अंडरस्टैंडिंग फिर अप्लाइंग एनालाइजिंग एवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग ठीक है आई होप दिस इज क्लियर तो सीक्वेंस हमेशा याद रखना वैसे तो याद करने की जरूरत ही नहीं है रट्टा नहीं मारना इसको समझ लो कि पहले हमने चीज़ को देखा रिमेंबर किया फिर उसको अंडरस्टैंड किया फिर उसको अप्लाई करके देखा फिर हमने एनालाइज किया देन हम जजमेंट करेंगे और फाइनली एक न्यू चीज क्रिएट करेंगे आई होप दिस मच इज क्लियर ठीक है जी अच्छे से आपको समझ आ गया होगा जो मैंने अभी समझाया ये दो चीज़ें जिसमें से क्वेश्चन आते हैं अब ये एक एक डोमेन जैसे में कि मैंने आपको अभी बताया इनको कोगोनेटिव डोमेन बोला जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कोगोनेटिव डोमेन कितने टाइप्स के होते हैं कितने लेवल्स के होते हैं तो याद रखना छः तरह के कौन से कौन से अभी हम करके हटे थे नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड देन इवेल्यूएशन आई होप दिस इज़ क्लियर और नॉलेज का मतलब क्या होता है कि अभी मैंने बताया हम रिकॉल करते हैं उस चीज़ को ठीक है रिकॉल करते हैं मैथड्स को कॉम्प्रीहेंशन में उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं जैसे इंडिविजुअल को पता है वट इज़ बींग कम्युनिकेट मतलब एक्सप्लेन करेंगे समराइज करना डिस्क्राइब करना अंडरस्टैंड किया जो आपने उसको अपने वर्ड्स में क्या किया एक्सप्लेन किया मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी अब आप अप्लाई करोगे हाउ स्टूडेंट कैन यूज़ सॉल्व एंड अप्लाई हिज नॉलेज कि कैसे बच्चा उस नॉलेज को जो उसने अभी अंडरस्टैंड किया उसको कैसे अप्लाई करेगा एनालाइज करना ब्रेक डाउन करना उसको टुकड़ों में पार्थ्स में सिंथेसाइज क्या होता है जो टुकड़े थे उनको इकट्ठा कर दो पुट टुगेदर कर दो और एक डिज़ाइन डेवलप करो अच्छा सा अब इवेल्यूएशन मतलब फाइनली अपनी जजमेंट पास कर दो राइट आई होप दिस इज क्लियर कोकोनेटिव डोमेन से क्वेश्चन हंड्रेड एंड वन परसेंट आता है ध्यान रखना नेक्स्ट कोगनेटिव डन दो डोमेन्स रह गए कौन से कौन से थे? अफेक्टिव एंड साइकोमोटर अफेक्टिव क्या होता है अफेक्शन से रिलेटेड हमारे हार्ट से रिलेटेड ठीक है जी हमारे जो होते हैं कि कैसे हम किसी चीज़ को रिसीव करेंगे रिस्पोंड करेंगे ठीक है मतलब जो पीपल है वो इमोशनली कैसे मतलब रिएक्ट करते हैं ठीक है कैसे वो जॉय फील करते हैं कैसे वो पेन फील करते हैं ये सारी चीज़ें दिल से ही तो होती हैं तो वो क्या होता है इफ़ेक्टिव डोमेन इसके कितने पार्ट्स होते हैं याद रखना कितने लेवल्स होते हैं तो पांच तरह के लेवल्स होते हैं इसके ठीक है इसको याद करना है निमोनिक से आर आर वी ओ मतलब सबसे पहले हम रिसीव करते हैं जैसे मैंने क्या किया मैं रास्ते में जा रही थी और मैंने देखा कि एक पुअर पर्सन जा रहा है और किसी अंकल ने उसको पैसे दिए अब मैंने वो चीज़ रिसीव कर ली कि अरे वो तो पुअर्स की हेल्प कर रहा है ठीक है फिर मैंने रिस्पोंड किया कि नेक्स्ट टाइम जब मुझे कोई पुअर पीपल मिला तो मैंने वो वैल्यू सीखी थी ना उनसे मैंने अच्छी चीज़ सीखी थी तो मैंने अब क्या किया नेक्स्ट टाइम मुझे कोई पुअर पीपल मिला तो मैंने भी उसको पैसे दी क्योंकि मैंने वो अच्छी चीज़ रिसीव की थी वो वाले अंकल से फिर मैंने वैल्यूइंग किया वैल्यूइंग करना मतलब किसी चीज़ की वैल्यू करना अच्छी चीज़ सीखना ठीक है मैंने अच्छी चीज़ सीखी कि उस अंकल ने अच्छी चीज़ की और मैंने भी फर्दर वो अच्छी चीज़ सीखी कि हमें पुअर पीपल्स की हेल्प करनी चाहिए राइट देन ऑर्गेनाइजिंग मैंने क्या किया सारा कुछ अपने स्कैमा में फिट कर लिया अपने दिमाग में कि जब भी कोई पुअर पीपल मिले जो बहुत ही नीडी हो हमें हमेशा उसकी हेल्प करनी चाहिए और मैंने बाकी लोगों को भी ये चीज़ सिखाई फिर आता है करेक्टराइजेशन कि ये अब मेरी हैबिट बन चुका है ठीक है कि मैं अच्छे काम करूंगी गरीब लोगों की हेल्प करूंगी नीडी लोगों की हेल्प करूंगी समझ आ गया ये एग्जाम्पल से सिंपल सा था ये तो जो आप रिसीव करोगे वैसा ही आप रिस्पोंड करोगे वैसे ही आप उस चीज़ को वैल्यू करोगे वैसे ही अपने दिमाग में फिट करोगे और वैसे ही तुम्हारी हैबिट बन जाएगी ये होता है इफेक्टिव डोमेन ठीक है जी आई होप दिस इज सिंपल और इसके कितने पार्ट्स होते हैं फाइव पार्ट्स बहुत रेयर है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपको कोगनेटिव डोमेन से अफेक्टिव एंड साइकोमोटर इतना नहीं पूछा जाता साइकोमोटर से आ जाता है फिर भी एक आधा बट अफेक्टिव से बहुत रेयर केस है बट आपको लेवल्स पता होने चाहिए ठीक है इसमें भी ऐसा ही है लोएस्ट लेवल कौन सा है रिसीविंग और हाइस्ट लेवल कौन सा है करेक्टराइजिंग ठीक है जी आई होप दिस इज क्लियर अब आते हैं लास्ट डोमेन पे दैट इज साइकोमोटर साइकोमोटर होता है स्किल्स सिंपल सा है इसका क्या करना है आपने कि आप लर्निंग बाय डूइंग कि जब भी आप कोई चीज़ खुद करोगे प्याजे की थ्योरी देखी थी प्याजे ने क्या बोला बच्चे खुद डिस्कवर करेंगे तो खुद वो सीखेंगे ठीक है लर्निंग बाय डूइंग की उन्होंने बात की है वो क्या हो जाता है साइको मोटर डोमेन कि बच्चा इमिटेट करेगा ठीक है मैनिपुलेट करेगा प्रिसाइज करेगा आर्टिकुलेशन एंड देन कम वो नेचुरल वे में उस चीज़ को करना सीख जाएगा ठीक है जी उसको क्या बोलेंगे साइकोमोटर डोमेन इसमें इस से भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं सिर्फ आपको पता होना चाहिए साइकोमोटर डोमेन होता क्या है ठीक है इंपॉर्टेंट कौन सा है कोकोनेटिव डोमेन वाला ठीक है आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो आज हमने सारे डोमेन्स की बात की है पूरी ब्लूम टेक्सोनॉमी हमने रिवाइज की है कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से नहीं आते हैं साइड बाई साइड में आपको बताती चली गई ठीक है जी एंड आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू वेरी मच